नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दाल पराठा बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि लंबे समय तक सॉफ्ट भी रहेगा और खाने के लिए टेस्टी भी लगेगा। तो आप कहीं सफर में जा रहे हो तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये लंबे समय तक मुलायम रहता है। तो फिर चले वीडियो शुरू करें। इस पराठा को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है लगभग 2 कप गेहूं का आटा, और साथ में डालना है आधा कटोरी दाल। तो यह मेरे पास बासी आधा कटोरी अरहर की दाल थी, उसे यूज किया है। आप चाहे तो अभी अभी बनाई हुई फ्रेश दाल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब डालना है आधा छोटा चम्मच अजवाइन को, ऐसे हाथों से क्रश करके डालिए। अभी डालना है आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे की पाउडर, ये है 4 लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची की पेस्ट। अब स्वादानुसार नमक डाल के 2 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे और बाद में आधा चम्मच जीरा डालते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका आटा लगाना है, जैसे कि रोटी चपाती के लिए लगाते हैं वैसा। तो अब भी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम स्मूथ आटा लगा लीजिए। दोस्तों, शुरू में मैं आटे में धनिया पत्ता डालना भूल गया था, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा हरा धनिया डालकर ऊपर से 1 चम्मच तेल डालेंगे और बाद में इसे मसलते हुए स्मूथ सा आटा लगाएंगे। तो सॉफ्ट पराठा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आटा लगाना। तो अच्छे से मसल मसल के स्मूथ आटा लगाइए, और आटा लगाने के बाद आटे को सेट होने के लिए किसी कपड़े से ढककर 10 मिनट तक रेस्ट दीजिए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि आटा सेट हुआ है कि नहीं। हमारा आटा तो अच्छे से सेट हुआ है। अभी इसमें से आटा लेकर एक लुई बनाएंगे, और ऐसे लुई बनाने के बाद लुई को तेल या सूखा आटा लगा के बेल कर लीजिए। तो इसे हमें ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा जाड़ा बेल कर लेना है, बस थोड़ा सा मीडियम थिक बेल कर लेना है। और ऐसे बेल लेने के बाद पहले लेफ्ट और राइट साइड से फोल्ड करके अप और डाउन दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर से लुई बनाकर बेल कर लेना है। तो आप चाहे तो इसे स्क्वायर या राउंड शेप दीजिए। अभी इसे उठा के हम चलते हैं किचन के ओर। तो तवे को कुछ भी लगाए बिना पराठे को तवे पर डाल के फ्लेम को मीडियम रख कर सेक लेना है। अभी इसे दूसरे साइड पलट के ऊपर से तेल लगाएंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हो। तो आपको तेल या घी जो भी लगाना है वो लगा के पराठे को 2 या 3 बार अलट पलट के दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लीजिए। ये देखो आप, पराठा बन के तैयार है। तो इसे बना के आप दही के साथ भी खाएंगे तो ये टेस्टी ही लगेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।